The happenings of 1922 to 1929. So in this video, what we are going to see that what happened during this decade. ये जो लगभग 10 सालों का वो था पीरियड था, वैसे 10 सालों का नहीं, 1922 से लेके 1929 की बात हो रही कि इस दौरान क्या क्या चीजें हुई. महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स. तो हमें पता है कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं और सभी को ये बोलते हैं कि हमें अहिंसा का इस्तेमाल ना करते हुए अपनी मांगों को रखना चाहिए, तो वायलेंट मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. ही अब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी 1922 अ क्राउड ऑफ पेजेंट्स सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चौरी चौरा कांड. जैसे लोग बात करते हैं ना कि चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उसमें हुआ क्या था, उस टाइम पे ना कुछ लोगों ने, कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी फरवरी 22 में. और उसके बाद क्या हुआ था कि जब ये पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी ना, तो उसकी वजह से लगभग 22 पुलिस मैन जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी. वो आग की वजह से जल के मर गए थे, ठीक है. और ये जो आग है वो पेजेंट्स ने लगाई क्यों थी, ऐसा क्या हुआ था कि उनको, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो सुबह जगे और उन्हें सपना आया था रात को कि भाई पुलिस स्टेशन में आग लगा देनी, उन्होंने लगा दी. कोई तो कारण रहा होगा ना कि उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगाई. तो कारण ये था कि जो पेजेंट्स वगैरह हैं वो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे और वो पीसफुली वो काम कर रहे थे. बट जो पुलिस मैन है उन्होंने क्या किया, पुलिस ने उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या किया, जो बंदूक है उसका इस्तेमाल किया, मतलब कि लोगों पे जो प्रदर्शनकारी हैं उन पे गोलियां जो है वो चलानी स्टार्ट कर दी. और इसकी वजह से पेजेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बदले में उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया. अब जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है वो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब कि उसे रोकने का फैसला लिया कि अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है. क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम कोई वायलेंट को बढ़ावा देना नहीं था. जो गांधी जी हैं वो तो ये चाहते थे कि सब अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए अपनी मांगों को रखें. बट जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने हिंसक मार्ग जो है वो अपनाया और एक तरीके से पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, और जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिसमैन की मृत्यु हो गई. तो इस वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो उसको रोक दिया गया था फरवरी 1922 में. अब देखो इस चीज को अच्छे से याद रखना क्योंकि आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे क्यों रोका गया था फरवरी 1922 में. Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that Congress must undertake constructive work in the rural areas. अब जब ये non-cooperation movement एक तरीके से रोक दी गई थी, बीच में रुक गई थी, उसके बाद गांधी जी के जो followers थे उन्होंने ये कहा कि Congress को ना rural areas में काम करने पर ध्यान देना चाहिए, कि मतलब जो गांव वाले इलाके हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that party should fight elections to council and enter them in order to influence government policies. तो बहुत सारे जो लोग हैं जो गांधी जी के followers थे वो तो कांग्रेस को ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस अब तुम रूरल एरियाज में भी थोड़ा ध्यान दो, वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम है उन पर भी थोड़ा काम करना स्टार्ट करो. और कुछ लीडर्स जैसे कि चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये कह रहे थे कि अब हमें इलेक्शंस जो हैं वो लड़ने चाहिए और हमें जो काउंसिल्स हैं, जो पार्लियामेंट वगैरह हैं, उनमें एंटर करना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकें. गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने लीडर्स को चुनते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट वगैरह में, उनको जो है हम चुनते हैं और वो जाके हमारे लिए रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज ये सब बनाते हैं. तो जब हमारे देश के लोग इलेक्शन लड़के काउंसिल में जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपने लोगों के लिए पॉलिसीज बना पाएंगे. अभी तो जो पूरी गवर्नमेंट है वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स चला रहे हैं और वो हमारे देश के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपने देश के लोग, अपने ब्रिटिशर्स, अपनी जो ईस्ट इंडियन कंपनीज हैं उन सब के बारे में सोच रहे थे और इंडियंस को, इंडियंस के रिसोर्सेज को वो सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे. तो इसीलिए कुछ लोगों ने क्या कहा कि हमें इलेक्शंस लड़ने चाहिए ताकि हम काउंसिल में घुस सकें, गवर्नमेंट में एक तरीके से हम एंटर कर सकें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको एक तरीके से उनमें अपना योगदान दे सके. थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s द गांधियंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस. अब 1920s के मिड में क्या हुआ था कि मतलब 1925 हो गया, 26 हो गया, इस टाइम पे जो गांधियंस हैं, गांधियंस मतलब कि गांधी जी को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनको गांधियन कहा गया है, ठीक है. तो जो गांधियंस थे उन्होंने क्या किया, काफी ज्यादा सोशल वर्क किया विलेजेस में. सोशल वर्क मतलब एक तरीके से लोगों की मदद करना है ना, जो
सोसाइटी में मान लो कचरा वगैरह है वो उसको साफ करने के लिए अभियान वगैरह चलाना, तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल वर्क उन्होंने किए है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ कि गांधीयंस को सपोर्ट बेस मिल गया, मतलब कि जब वो विलेजेस में उन्होंने सोशल वर्क किया तो गांव में रहने वाले लोग जो है वो बड़े ही प्रभावित हो गए उन लोगों से, गांधीयंस से, और उसके बाद वो लोग भी इनको सपोर्ट करने लग गए। दिस प्रूव टू बी अ वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। अब ये जो सपोर्ट बेस इन्होंने बनाया था ना, इसका बड़ा फायदा हुआ जब इन लोगों ने, जब गांधी जी ने और उनके फॉलोअर्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी 1930 में, तो उसका बड़ा फायदा हुआ क्योंकि इस मूवमेंट को फिर बढ़ चढ़ के जो है लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया जैसे जिस टाइम पे उनके विलेजेस में उन्होंने सोशल वर्क किया था ना, उसकी वजह से वो गांधी जी को और उनके फॉलोअर्स को फॉलो करने लगे थे, उनके आइडिया से प्रभावित हो गए थे। तो इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी को बहुत अच्छा सपोर्ट बेस मिला। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें मिड 1920s की, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसकी फॉर्मेशन, RSS जो कि आज भी आप सुनते होंगे, तो ये जो है ये लगभग 1920s के बीच में बना था, ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी। दीज पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। अब ये जो दो पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, RSS हो गई और द कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, इन दोनों के आइडियाज जो है वो बहुत ही अलग अलग थे कि इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया किस तरीके का होगा, कैसा देश इंडिया बनेगा, इस चीज को लेकर इन लोगों में अलग अलग आइडियाज थे, ठीक है, इनके आइडियाज जो है आपस में मेल नहीं खाते थे। सो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वो एक ऐसी कम्युनिटी थी, एक तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हिंदुत्व के तरफ जो है ज्यादा फोकस करती थी। ये इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना चाहती थी जिसमें हिंदुइज्म की जो वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, वो काम करें, वो लाए जाएं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो ये जो पार्टी है वो इंडिया को एक ऐसा देश बनाना चाहती थी जो कि मतलब सोशलिज्म के रास्ते पे चले। सोशलिज्म मतलब एक तरीके से सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो ओन करेगी, कंट्रोल करेगी। तो इस तरीके से इनके आइडियाज इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट थे। इनके बारे में और ज्यादा जो डिटेल में है आप अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है कि इनके जो आइडियाज हैं वो अलग थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है या RSS जो है वो मेनली हिंदुत्व के या हिंदुइज्म को बढ़ावा देने पर फोकस करता था और इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना चाहता था जो हिंदुइज्म के तौर पे मतलब उसके वैल्यूज और एथिक्स को फॉलो करे। वही कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिज्म के रास्ते पे चलती है। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। और अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो वो भी इसी टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इसी टाइम पे अपने काम जो है मतलब देश के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru. तो अगर हम बात करें इस पूरे डेकेड की, मतलब कि जो 1920 से लेके 1930 वाला ये जो पूरे 10 साल का पीरियड है, इसकी जो एक तरीके से एंड हुआ, ये कैसे हुआ कि मतलब इसके एंड में 1929 में जो कांग्रेस है उसने रिजॉल्व किया, एक तरीके से प्रण लिया कि अब हम पूर्ण स्वराज जो है उसके लिए लड़ेंगे। पूर्ण मतलब कंप्लीट और स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, खुद का राज। तो अब इन्होंने कहा कि अब हम पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को अपने देश से हटा के अपना जो राज है वो स्थापित करेंगे, मतलब इंडियंस खुद अपने इंडिया को रूल करें, उसको चलाएं, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये जो पूर्ण स्वराज की एक तरीके से रेजोल्यूशन लिया गया था, ये किसकी प्रेसिडेंटशिप में लिया गया था, मतलब इसको हेड कौन करेगा, एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू। और बाद में क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के तौर पे उसको मनाया। अब देखो हमें जो इंडिपेंडेंस है ना वो एक्चुअल इसके 17 जो साल है उसके बाद मिली, मतलब 1947 में हमें एक्चुअल इंडिपेंडेंस मिली, बट 26 जनवरी 1930 को क्यों इन लोगों ने इंडिपेंडेंस बनाई, क्योंकि ये जो पूर्ण स्वराज का आइडिया था इसको सेलिब्रेट करने के लिए, राइट। तो हमें जो इंडिपेंडेंस मिली वो 15 अगस्त 1947 को एक्चुअल मिली, बट इस आइडिया को, ये जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया था, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों के जज्बे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ये जो दिन है 26 जनवरी 1930, इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह लोगों ने मनाया। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसमें बोला गया कि
कोई अगर बहरा है तो या जिसको कम सुनता है उसको सुनवाने के लिए कि उसको हमारी आवाज सुनाई दे, उसके लिए हमें बहुत ही तेज बोलना पड़ता है, लाउड वॉइस में बोलना पड़ता है। और फिर नीचे लिखा है इनकलाब जिंदाबाद। तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड अदर्स वॉन्टेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुखदेव हो गए, और इनकी तरह बहुत सारे अलग अलग जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट हैं वो चाहते थे कि कॉलोनियल रूल और रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस। तो देखो बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी लड़ रहे थे जो उनके खुद के ही देश के हैं, इंडियंस ही हैं, बट उन्हें एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे ना, वो छोटे जो किसान हैं या जो टेनेंट्स वगैरह हैं, लेबरर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये सारे नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स और रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस के खिलाफ लड़ेंगे, कैसे, थ्रू अ रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स, कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसमें कौन हिस्सा लेगा, जो वर्कर्स हैं और जो पेजेंट्स हैं, किसान हैं, वो हिस्सा लें, और उसके तरीके से हम, उसके जरिए हम ब्रिटिशर्स और अपर क्लास जो रिच लोग हैं जो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, और इस एम को पूरा करने के लिए कि वर्कर्स एंड पेजेंट्स के थ्रू एक रेवोल्यूशन चलाया जाएगा जिसमें सब लोग जो है वर्कर्स हो गए, पेजेंट्स हो गए, ये लड़ाई लड़ेंगे कॉलोनियल रूल के खिलाफ और रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस के खिलाफ। तो इसके लिए क्या किया गया, एक जो एसोसिएशन है वो फाइंड की गई जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये कब फाउंड की थी, 1928 में, और फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, इस जगह पे ये फाउंड की गई थी। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आजाद एंड राजगुरु असैसिनेटेड सॉन्डर्स, अ पुलिस ऑफिसर हु वाज इन्वॉल्वड इन द लाठी चार्ज दैट हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो अगर हम इस डेट की बात कर रहे हैं 17 दिसंबर 1928 की, इस दिन क्या हुआ था, भगत सिंह आजाद मतलब कि चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जी ने, इन तीनों ने क्या किया था, सॉन्डर्स के खिलाफ एक एसेसिनेशन किया था। एसेसिनेशन मतलब एक तरीके से सोची समझी साजिश जो है वो रची थी सॉन्डर्स के खिलाफ। अभी सॉन्डर्स कौन था, ये एक पुलिस ऑफिसर था जो कि लाठी चार्ज में इन्वॉल्व था। कि जब क्या होता है कि अगर कोई लोग धरना वगैरह दे रहे होते हैं तो आपने भी सुना होगा कभी कभी पुलिस जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देती है, जिसका मतलब वो उनको लाठियों से पीटना शुरू कर देती है। तो इस लाठी चार्ज में हमारे जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, ठीक है। तो उस चीज के बदले के लिए इन लोगों ने क्या किया, सॉन्डर्स के खिलाफ जो है एक तरीके से असैसिनेशन किया उनका और उनको जो है मौत के घाट उतार दिया। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बी के दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 8 अप्रैल 1929 में क्या हुआ, भगत सिंह और बी के दत्त जो थे उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया, एक बॉम्ब फोड़ दिया। द एम एज देयर लीफलेट एक्सप्लेन्ड वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डेथ हियर। अब इनका एम क्या था बॉम्ब फोड़ने का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपके जैसे पार्लियामेंट्स वगैरह रहते हैं ना, जो हाउसेस रहते हैं जहाँ पे सारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाके बैठते हैं, डिसीजंस वगैरह लेते हैं, तो वहां पे इन्होंने एक तरीके से पार्लियामेंट में इन्होंने बॉम्ब फोड़ा था। तो इनके एक लीफलेट था, एक पर्चे से में इन्होंने लिखा था कि इनका एम जो है वो किसी को मारना नहीं है बट बहरे लोगों को भी सुनाई दे जाए हमारी आवाज, ये हमारा एम है। मतलब कि बहरे लोग कौन, एक तरीके से ब्रिटिशर्स को बोला जा रहा है, अंग्रेजों को बोला जा रहा है कि जो मतलब एक तरीके से जो लोग हैं इंडियंस हैं उनके प्रॉब्लम्स के लिए अपने कान बंद करके बैठे थे, उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें दिख नहीं रही थी, आंख बंद कान बंद सब करके बैठे थे इंडियंस की प्रॉब्लम्स के लिए, वो इंडियंस के कुछ भी नहीं सुन रहे थे। तो इसीलिए उनका एम क्या था कि हम इन ब्रिटिशर्स के कान खोल दें ताकि हमारी आवाज सुने, ठीक है, इनको एक तरीके से डराने के लिए कि भाई हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम सुधर जाओ, सुन लो हमारी बात। तो इस चीज के लिए उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था, किसी को मारने का जो एम है वो नहीं था। एंड टू रिमाइंड दैट फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कैलियस एक्सप्लॉयटेशन। और बॉम्ब फोड़ने का एक रीजन तो ये था कि भाई तुम लोग को सुनाई दे जाए, और दूसरा ये है, देखो सुनाई दे जाना मतलब इसको एकदम लिटरल सेंस में मत लेना, इसका मतलब ये है कि अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और अपनी जो पावर है उसको दिखाने के लिए एक तरीके से इन लोगों ने बॉम्ब फोड़ा। और दूसरा रीजन ये था कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स वगैरह है, वो जिस तरीके से हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसका भी एक तरीके से याद दिलाना है कि सुधर जाओ, जो तुम हमारे देशवासियों पे जो अत्याचार कर रहे हो, अगर ये तुमने बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा।
ठीक है, तो ये बताने के लिए भी वो बॉम्ब फोड़ा गया था। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर एग्जीक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वॉज ओनली 23। तो मार्च 23, 1931 में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब कि उनको फांसी की सजा दे दी गई। और उस टाइम पे अगर हम बात करें भगत सिंह जी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 23 साल के थे, मतलब बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है वो दे दी, वो शहीद हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस सेक्शन में जो पूरा एक डेकेड था, मतलब 1922 से लेके 1929 वाला जो ये पूरा पीरियड था, उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए, किस तरीके से दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आई, आरएसएस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, ये सब निकल के आया, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा इस वीडियो में।